नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु सोगी। ये आज शरद जी बैठे हुए हैं। इनको मलद्वार से जुड़ा हुआ एक ट्रैक बन गया था जिसको भगंदर फिशलाइन इनो कहते हैं। इनको मलद्वार के आसपास एक एब्सेस हो गया था जिसको पेरिनल एब्सेस कहते हैं, और इनको जो समस्या होती थी, इनको फोड़ा हो गया था, उस जगह से मवाद आता था, मवाद समझे पस जैसा डिस्चार्ज होता था, और ये कभी कभी फोड़ा बंद हो जाता था, कभी कभी ये फोड़ा बंद जाता था, फिर उसके बाद मवाद जैसा डिस्चार्ज होता था, और बैठने में इनको अनकंफर्टेबल दर्द जैसा फील होता था, चलने में भी इनको दर्द जैसा महसूस होता था। तो इनको मैंने ऑपरेशन किया है छारसूत विधि से, और ये आज पूर्ण रूप से स्वस्थ है। तो आज शरद जी से जानेंगे इनको क्या समस्या होती थी और छारसूत थेरेपी में इनको पेन होता है कि नहीं होता है। तो शरद जी बताइए। प्रॉब्लम ये मुझे 10 साल से थी। इसका मैंने कई जगह ट्रीटमेंट किया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली में मैंने दिखाया, के जी एम यू लखनऊ में दिखाया, फिर आयुर्वेदिक संस्थान में मैंने इसका ऑपरेशन कराया। 1.5-2 महीने ट्रीटमेंट करने के बाद मुझे भी किसी तरीके का कोई रिलीफ नहीं मिला। पेन भी बहुत रहता था, चल भी नहीं पाता था, बैठ नहीं पाता था, ये सारी समस्याएं बनी हुई थी। फिर मैं हिमांशु भैया के पास आया, उसके बाद उन्होंने मेरा ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के 1.5-2 महीने के भी अंदर मुझे एकदम रिलीफ हो गया। आज मुझे 3-3.5 महीना हो गया ऑपरेशन करा, मुझे किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं, आज मैं पूर्ण रूप से एकदम सही। तो शरद जी ने ऑपरेशन कराया है, मैंने जो ऑपरेशन किया छारसूत विधि से किया हुआ है। इनको थर्ड ग्रेड का फिशलाइन इनो हो गया था, भगंदर हो गया था, एक सेकेंडरी रैमिफिकेशन इंटर स्पिंटिक स्पेस में ट्रैक अलग से बन गया था, और इनका जो ट्रैक का जो रास्ता था लगभग 6-7 सेंटीमीटर लंबा था। ये इनका जो एक्सरा फिशलोग्राम की रिपोर्ट मैंने कराई थी, दे सकते हैं, एक ट्रैक था, कर्वी लीनियर ट्रैक था, एक सेकेंडरी रैमिफिकेशन भी है इनका। तो इनको जो दोबारा पहली बार इन्होंने ऑपरेशन कराया था छारसूत विधि से, वहाँ पे इनका एक्सरा नहीं हुआ था। तो कभी कभी एक्सरा ना होने से, एमआरआई ना होने से ट्रैक के रास्ते छूट जाते हैं, जिससे दोबारा फिशला होने की संभावना हो जाती है। तो मैंने इनका फिशलाइन इनो जो का जो पूरा ट्रीटमेंट है, उनका एक्सरे कराया, एक्सरे फिशलोग्राम कराया, और इनको छारसूत विधि से ऑपरेशन किया, और ये पूरे रूप से एकदम स्वस्थ हो गए। बहुत सारे भ्रांति फैला दी जाती है कि छारसूत में बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है। तो मैंने इनका ऑपरेशन किया, क्या शरद भैया आपको जिस दिन से ऑपरेशन किया है कि छारसूत में बहुत दर्द होता है? क्या बहुत दर्द नहीं होता, कोई मुश्किल से 2-4-5-10% तो भैया होता ही है, बाकी मुझे किसी तरह की कोई दर्द नहीं। तो बहुत सारे भ्रांति फैला देते हैं कि बहुत दर्द होता है, तो थोड़ा बहुत 5-10% हो सकता है, ठीक है, हल्का सा छारसूत जब चेंज करते हैं, तो फिर उसके बाद कोई समस्या नहीं आती, पेशेंट सारा काम कर सकता है। छारसूत जिस दिन से ऑपरेट करता किया था मैंने, भैया आपका ऑपरेट किया था, उसके दूसरे उसी 2 घंटे बाद डिस्चार्ज कर दिया था, 2 घंटे बाद डिस्चार्ज कर दिया था, और ज्यादा चलने के लिए बोला था, डेली कम से कम 2-3 किलोमीटर चलने के लिए बोला था, और जिससे चलने की वजह से जो इनका जो ट्रैक था वो जल्दी हील होता है, अंदर जो पस फॉर्म होता है, बैठने से क्या होता है पस कलेक्ट होता है, और चलने से वो पस होता है, तो इससे ड्रेन जल्दी होता है और ट्रैक हील जल्दी होता है। तो आज ये पूर्ण रूप से एकदम स्वस्थ हैं, और ये कोई दिक्कत भी नहीं है। तो जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको इस प्रकार कोई समस्या है तो फोन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।